रामायण की शूटिंग चल रही थी और बालक राम के साथ एक कौवे को दिखाना था, लेकिन समस्या ये थी कि ऐसा कौवा कहाँ से लाए, क्योंकि कौवे को पाला नहीं जा सकता। बहुत कोशिशों के बाद भी ऐसा कौवा नहीं मिल रहा था, तो रामानंद सागर जी निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी वहाँ अचानक से एक कौवा आकर उसी पेड़ के ऊपर बैठ जाता है और जोर जोर से काँव काँव करने लगा। रामानंद जी उस कौवे के पास गए और हाथ जोड़कर उनसे विनती करने लगे। उन्होंने कहा, काकभूषणी महाराज, आप आ ही गए, मुझे विश्वास है कि आप रामायण सीरियल को ठीक ठाक बनवा दोगे। आपसे विनती है कि ये बच्चा राम बना है, आप उसके पास थोड़ी देर के लिए आ जाओ। तब तुरंत ही वो कौवा पेड़ छोड़कर उस बच्चे के सामने जाकर बैठ गया, जो देखकर रामानंद सागर जी के आंखों में आंसू आ गए।